हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और फोन प्लस की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे गेमिंग टेस्ट सैमसंग गैलेक्सी E51 का। E51 का अनबॉक्सिंग तो मैंने दे दिया इससे पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट, देखेंगे पहले देखेंगे कि इसमें हार्डवेयर क्या क्या दिया गया है गेमिंग के लिए, और उसके बाद गेम खेल के देखेंगे, एक दो गेम खेलेंगे तो पता चलेगा किस तरह से गेम चलता है, इसमें ग्राफिक्स क्या है और हीट होता है कि नहीं, बैटरी कंजेशन कैसे होता है गेमिंग में। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करिए, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं गेमिंग टेस्ट इस सैमसंग गैलेक्सी A51 का। देख सकते हैं मेरे पास है A51, तो मैंने इसमें कुछ एक दो गेम डाउनलोड किया है जो कि मैं ज़्यादातर खेलता हूँ और खेलना पसंद करता हूँ। एक तो और आप भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं जैसे कि पबजी मोबाइल, तो पबजी खेलना मुझे भी पसंद है, कभी कभी खेलता हूँ, ज़्यादा नहीं खेलता। और एक गेम है मुझे खेलना पसंद है जो कि है मोर्टल कॉम्बैट, ये भी बहुत ही हैवी गेम है। दोनों गेम मैंने जो डाउनलोड किया है बहुत ही हैवी गेम्स हैं। तो दोस्तों गेमिंग करने से पहले, गेमिंग टेस्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के CPU और GPU के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर। तो इस फ़ोन में दिया है एक्जीनोस का 9611 प्रोसेसर, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है सैमसंग का। इस प्रोसेसर का फीडबैक काफ़ी अच्छा है जिस जो भी फ़ोन में दिया है इससे पहले आपको A50s में मिलता था तो उसमें भी काफ़ी अच्छा गेमिंग होता था। और भी कुछ पहले वाले फ़ोन थे जैसे कि इससे पहले आप M30s में भी यही प्रोसेसर दिया गया है। बहुत लोगों का कहना है कि सेम प्रोसेसर सैमसंग क्यों दे रहा है, क्योंकि इस प्रोसेसर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, कोई भी कंप्लेन नहीं है, कोई भी इशू नहीं है इस प्रोसेसर के लिए, काफ़ी एक सक्सेस प्रोसेसर है। तो इसीलिए ये काफ़ी अभी बहुत सारे फ़ोन में यही प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला, आगे भी आपको कुछ फ़ोन में ये प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तो प्रोसेसर हो गया आपका 2.3 GHz का क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर है ये, और 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर है जो कि काफ़ी कम बैटरी कंज्यूम करता है। और इसमें जो GPU दिया गया है वो माली का G72 का GPU है, इससे भी आपको काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, HDR का गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। HDR में आप अगर आप पबजी खेलते हैं तो आप HDR में गेमिंग कर सकते हैं, HD और HDR दोनों में आप यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम गेमिंग करके देखते हैं। सबसे पहले मेरा जो फेवरेट गेम है पबजी नहीं है, मेरा फेवरेट गेम ये है मोर्टल कॉम्बैट, तो ये मैं बहुत ज़्यादा खेलता था। पबजी के आने से पहले भी मैं ये गेम खेलता था, जो कि मेरे पास उस टाइम सैमसंग का ही फ़ोन था, C7 Pro था, उसमें खेलता था। काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस उसमें मुझे मिला था और बैटरी बैकअप भी अच्छा था। तो अभी इसमें हम गेमिंग करके देखते हैं कैसा लगता है ये गेम इस फ़ोन में। और ये भी एक ऑनलाइन गेम है, ऑफलाइन गेम नहीं है, आप बिना इंटरनेट के इसको खेल नहीं सकते। ये बैटल मोड में जाते हैं, आप चाहें तो इसको भी ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, लेकिन मैं अकेले ही खेलता हूँ। एक और चीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा, अगर सैमसंग के किसी भी फ़ोन में आप गेमिंग करते हैं तो गेम लॉन्चर का इस्तेमाल ज़रूर करें, स्पेशली इस फ़ोन में, क्योंकि इस फ़ोन में जो गेम लॉन्चर है वो है AI बेस्ड गेम लॉन्चर है, जो कि आपकी गेमिंग को एनालाइज करता है, उसके हिसाब से आपको आपके फ़ोन को वो ऑप्टिमाइज करता है। देखिए यहाँ पे गेम लॉन्चर में हम जाएंगे, बहुत सारे फीचर आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेजरिंग टेम्परेचर, ये टेम्परेचर मेजर करता है अपने आपके फ़ोन का। उसके बाद आपका मेमोरी को भी मैनेज करता है, मान लीजिए आप ज़्यादा एप्लीकेशन ऑन कर रहे हैं और आपका रैम जो है फुल है वो अपने आप क्लीन कर देगा, टेम्परेचर हाई हो गया तो ये अपने आप कूल कर देगा। तो गेम खेलने से टेम्परेचर सारे फ़ोन में हाई होते हैं और कुछ फ़ोन में सिस्टम होते हैं कि उसको कूल कर देते हैं, तो इसमें वो सिस्टम है कि आपका फ़ोन हीट नहीं होगा, आप जितना टाइम भी गेमिंग करना चाहे गेयर कर सकते हैं, फ़ोन हीट नहीं होगा, अगर हीट हो गया तो तुरंत कूलिंग डाउन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर गेम खेलने के बाद दिखाऊंगा, गेम खेलूंगा और उसके बाद ये टेम्परेचर यहाँ पर अगर हाई हो गया तो रेड हो जाएगा, और अगर कूल करेगा तो उसके टाइम पर यहाँ पर ब्लू होता है। और कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं, नेविगेशन बटन को आप लॉक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो नेविगेशन मैंने जो लॉक कर दिया, तो यहाँ से यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, बैक बैक नहीं कर सकता मैं, क्योंकि गेम खेलते समय अगर आप बैक बटन पे क्लिक हुआ था गेम आपका क्विट हो सकता है, तो इसीलिए देख सकते हैं वो आप यूज कर सकते हैं।
और बंद करना चाहें तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखिए फिर आ गया। उसके बाद आपको क्या फीचर मिलता है गेम लॉन्चर में, आपको स्क्रीन को भी लॉक कर सकते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके गेम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आजकल बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि बहुत सारे लोग का गेमिंग चैनल है यूट्यूब पे, तो अब वो लोग यहाँ से HD में गेम रिकॉर्ड करके अपने चैनल में पब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए गेम खेलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं है, आप भी खेल सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। खत्म कहानी। ये गेम आपको बहुत ध्यान से खेलना खेलना पड़ता है। ये पबजी नहीं, कहीं भी छुप के बैठ गए, ये आपको पूरा कॉन्स्टेंटली ध्यान लगा के खेलना पड़ता है, नहीं तो नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। देखिए मैं एक गेम जीत गया। देखिए आपको यहाँ पे ग्राफिक्स गेम का जो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है खेलने में, ये बहुत ही हेवी गेम है, लगभग 1.5 से 2 GB का गेम है, तो कोई भी परेशानी नहीं हो रहा है यहाँ पे मुझे गेम खेलने में, कोई परेशानी नहीं हुआ। अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मैं एक गेम कंप्लीट कर चुका हूँ, यहाँ पे आपको कोई भी हीटिंग और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको पूरा टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए अभी हम पबजी खेल के देखते हैं। पबजी जो मैं काफ़ी दिनों से नहीं खेल रहा हूँ, बंद कर दिया है, तो आपके लिए मैं यहाँ ये चेक कर रहा हूँ, अभी टेस्ट खाली कर रहा हूँ, मैं गेमिंग नहीं करता। कुछ लोग बोल सकते हैं, पिछले वीडियो मैंने एक बनाया था उसमें कमेंट आया था कि उसे तो तुमको तो पबजी खेलना नहीं आता, तो मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ पबजी में, आपसे ज़्यादा नहीं, मैं बस मोबाइल में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ खाली। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे जाके दिखा रहा हूँ कि ग्राफिक्स क्या सपोर्ट करता है इसमें। देखिए ग्राफिक्स में चलते हैं, यहाँ पे स्मूथ बैलेंस है, यहाँ पे आप चाहें तो HD और HDR हाई ग्राफिक्स अल्ट्रा किसी भी फ्रेम रेट में, किसी भी आप अल्ट्रा HD तक नहीं जा सकते, बाकी आप HD और HDR यहाँ पे जो फ्रेम रेट है उसको हाई करके भी आप खेल सकते हैं। तो हम अब इसको ओके करते हैं। देखिए ये सेव हो गया HDR में अल्ट्रा फ्रेम रेट। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका इंटरनेट का स्पीड अच्छा है तभी आप HDR अल्ट्रा फ्रेम रेट में खेलें। तो मैं भी खेल के देख रहा हूँ, मेरा भी इंटरनेट का स्पीड उतना उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी खेल के हम देखते हैं थोड़ा। ठीक है, the second.
देखिए यहाँ पे थोड़ा दिखा रहा है अभी हाई टेम्परेचर, ठीक है। मैं जब गेम खेलना स्टार्ट किया पबजी, तो अभी थोड़ी देर पर यहाँ पे हाई हाई टेम्परेचर आ रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया, तो यहाँ पे अभी आप कूलिंग डाउन भी दिखाएगा, तो वो टेम्परेचर मुझे हाथ में उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सीपीयू ने डिटेक्ट किया कि टेम्परेचर हाई है। तो मेरा गेम में ध्यान नहीं है, इसलिए मैं बहुत बार मर चुका हूँ। थोड़ा खेल लेते हैं अभी। तो ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है, और HDR में आप गेमिंग कर सकते हैं। ग्राफिक्स बढ़िया है, साउंड क्वालिटी अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी थोड़े टाइम पहले अभी यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा था, लेकिन अभी तुरंत दिखा रहा है नॉर्मल। देखिए यहाँ पे रेड सिंबल नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कूलिंग डाउन हो जाता है, और मुझे भी यहाँ पे कुछ फील नहीं हो रहा है, हीटिंग का कुछ फील नहीं हो रहा है। बहुत ही हल्का सा जो टेम्परेचर है वो फील हो रहा है खाली, जो कि बहुत सारे स्लिम फ़ोन में यहाँ पे थोड़ा फील होता है, लेकिन हीटिंग का कोई इशू नहीं है और लैग का भी कोई इशू नहीं है। मैंने अभी HDR में गेमिंग किया, हाई फ्रेम रेट में, अल्ट्रा फ्रेम रेट में गेमिंग किया, तभी मैं बहुत ही स्मूथली खेल पाया। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो ये फ़ोन ले सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलता है, और ये फ़ोन आपके बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप फ़ोन ख़रीदते हैं उस टाइम पे सब कुछ चेक करते हैं, प्रोसेसर रैम वगैरह, लेकिन ये चीज़ चेक नहीं करते, वो है रेडिएशन। यहाँ पे *07H दबा के आप रेडिएशन चेक कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब आप फ़ोन गेम खेलते हैं तो आपके हाथ में फ़ोन होता है, रेडिएशन आपके बॉडी में आता है, आपके शरीर में आता है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट का अप्रूव है 1.6 वाट पर किलोग्राम। तो बहुत सारे फ़ोन में क्या होता है, प्रोसेसर रैम अच्छे होते हैं, लेकिन जो रेडिएशन है इससे काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आप देखते हैं 0.598 का, बहुत सारे फ़ोन में 1 से ऊपर होता है, तो वो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ये एक सेफ़ डिवाइस है, मैं कहूँगा ये एक सेफ़ डिवाइस है, आप अपने पास जितने टाइम भी रखिए। उससे तो आधा रेडिएशन, मार्केट में बहुत सारे फ़ोन है उससे डबल रेडिएशन वाले फ़ोन है, वो आप चेक नहीं करते, लेकिन ये फ़ोन जो है उससे कम रेडिएशन है, और काफ़ी अच्छा है, सेफ़ डिवाइस है, सेफ है, सुंदर है, और गेमिंग एक्सपीरियंस इस पर काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।